उनका कहता नहीं कि अगर कन्हैया प्रधान जी खुद ही जाके अंजलि जी के खिलाफ थाना में FIR कर दी है तो ये साबित हो जाए कि कन्हैया प्रधान जी ये इंटरव्यू ना दिले बाड़ी का कन्हैया प्रधान जी हम ठीक कहता नहीं नू एक बात कहीं का नहीं मतलब रवा के बात सुन के ना ऐसा लगा था कि रवा ना पहले कनो जट के साथे रहत रहलिया नहीं का ना कि रवा एकदम एकदम फट से जवाब दे देलिया कहा कि ऐसा माकुल जवाब खातिन जिगरा चाहिए तो भाजी ऐसा माकुल फैसला सुनाए खातिर ना पूरा तिवारी परिवार के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कृपा जी एक बात कही क्या अगर पंच आके पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करे तो नू तो मजा मजा मतलब कि बात उतना ना बन अगर प्रधान जी जाके पुलिस स्टेशन पे FIR दर्ज करे या नो तो ये तो रायता फैलल बानू पापा जी अच्छे से समझ जाएगी बहुत बहुत धन्यवाद पापा जी अब आगे आगे छलांग लगाई ले के का फायदा नुकसान होला ये दीदी के मालूम होके के चाहिए दरवाजा काहे बंद कर ले रहा हुआ ई देखी अंजलिया के करामात इंस्पेक्टर साहब हमार घर के खानदानी हीरा के हार चोरी करे के जुर्म में भाई अंजलिया के गिरफ्तार करी फिर भी रउआ चाहते हैं कि दोबारा हम इनके संग अपन गिरस्ती बसाई तो रउआ ये साबित कर दी कि अंजलि चोर नहीं के चोर कोई और बा तारा लगे ऐसा कोनो आदमी बा जे देखले होखे कि ऊ हार कमल किशोर चोरी के लिए बनल तो साबित कैसे कर दू अब इनके ससुराल तब बन नसीब हुई जब ये अपने आप के बेगुनाह साबित करिया शक्ति तुझे फूफा जी के संगे मिलके अंजलि के बदनाम कहले बाड़ा लोग वो तन को ठीक नहीं खे भरे कहानी लोग बहुत गलती कहले बाड़ा अच्छा का गलती कहनी मानी जा खा तारा नहीं खे पता कि तू का गलती कहले बाड़ा अच्छा हमनी जो कहनी वो गलत बा रउआ प्रधान जी जो करत बानी वो सही बा यह कल चाद बाड़ू ना हम का गलत करत रही नहीं हा? अरे वो बेढंगी अंजलिया के हमरे गले का हार बनाए का फैसला सुना दे ली पूरे भरल पंचायत में का रहुआ वो सही कहनी और वो अंजलिया के भी बड़ा शौक रहल ना हमार घर गिरस्ती संभाले का अब जाके संभाले जेल में घर गिरस्ती बस इतनी बात खातिर तू अंजलि के जीवन के संग खिलवाड़ कर रहल बाड़ा इतनी बात नहीं के थोड़ी बा प्रधान साहिबा एक तीर से दो निशाना एयर अंजलि गई जेल और रउआ फिर कौनो गांव वाले के सामने हम पे दबाव ना बना पेबू कि अंजलि के अपन पत्नी बना के घर ले जाए हमार मकसद पूरा हो गए अच्छा तो तहरा की का लागत बा तू बाहर रह के आराम से मौज करबा और हम अंजलि खातिर कुछ नहीं के करब ई तहार बहुत बड़ी भूल बा शक्ति शुक्ला प्रधान जी अब कौनो चारा नहीं के बचल अगर रउआ के अंजलि के सही साबित करे के बाद ना तो रउआ के ना पप्पा जी के जेल भेजे के पड़ी
और तिवारी परिवार ऐसा कभी ना चाहिए कि उनकर दामाद जेल जाए। अगर ऐसा हो सकला ठीक बा, देख ला। पत्रकार महोदय फोन करत रही हमार पत्नी के। आरती तिवारी जी, अंजलि शुक्ला अभी भी पुलिस स्टेशन के लॉकअप में ही है, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। क्या आपके यहाँ से कोई आ रहा है? आप अपने न्यूज़पेपर में चंद मसालेदार खबरें छापने के लिए मेरी सीधी साधी पत्नी का इस्तेमाल कर रही है, सिर्फ इसीलिए ना, क्योंकि आप जानती है कि वो सीधी साधी और हमारे घर की अंदर की खबरें आप उससे निकलवा करके अपने न्यूज़पेपर में छाप रही हैं, और वो भी हमारे परिवार के विरोध में। आपने मजाक बना करके रख दिया हमारे परिवार को अपने न्यूज़पेपर में। कल जो आपने अपने अखबार में हमारे घर की खबर छापी है ना, उस खबर ने दिल का ताड़ बना दिया है। आप मेरी पत्नी को उकसा रही हैं कि वो अपने ही परिवार के विरोध में खड़ी हो जाए और आप लोग सब मजे लो। और क्या लिखती हैं आप कि सब का सब खबर सूत्रों के हवाले से है, कमाल है। ऐसा है सिन्नी महोदया, हम ये सब होने नहीं देंगे। हमारे परिवार का मजाक बना करके आप अपने अखबार को नहीं चला सकती, आई बात समझ में? हे देवी मैया, अनजाने में एक मासूम लड़की के संगे हमरे परिवार से अन्याय हो गइल बा, और हम उ अन्याय के रोक ना पैनी हा। लेकिन देवी मैया, हम चुपचाप बैठ जाई, इहो तो प्रधानी के शपथ लेवे के खिलाफ बानू। हम शपथ ले ले बानी कि पंचायत के जनता के संगे अपने जाने भर में कोनो अन्याय नइखे होखे देव। बिना अपना पराया कहले, मन में बिना कोनो द्वेष के सबके संगे ईमानदारी से न्याय करब। एक तरफ परिवार बा तो दूसर तरफ फर्ज। हमरा मन नहीं खे माना देवी मैया क्यों चोरी कैला सा, इमा अंजलि के फसावल कैला देवी मैया। अब ओकरा संग इंसाफ रउवे ही कर सकत बानी। जब तक कोनो रास्ता ना निकली, हमार मन बहुत बेचैन रही देवी मैया। फौजी, जब तक तार मन परेशान रही तब तक कोनो रास्ता ना निकली। सबसे पहले रहो अपना मन के शांत करे, फिर ठंडा दिमाग से सोची। हमारा विश्वास बा कि कोनो ना कोनो रास्ता जरूर निकली। पर अभी सबसे पहले रहो घर के सब लोग के मनावे के पड़ी, क्यों लोग अंजलि के माफ कर दे। जब माई बाबूजी सब लोग अंजलि के माफ कर दिनो, तब अंजलि थाना से घरे चल रही है। हमारा विश्वास था कि रवाई सब कर ले। बबुआ जी, हमरा कुछ नहीं के बुझा कि हम कैसे ही घर के सब लोगन से बात करी। फौजी, वो बात करे के पड़ी, तो बात ना करम तो कैसे होई? रवा तो अपना घर के बारे में सब लोग के जानत बानी नो। ये लोग जौना आदमी के पीछे पड़ जाला नो, ओकर जियल हराम कर देला। ऐसे रवा प्रेम से ही ये लोग से बात करे के पड़ी। सही कह रहे बानी बबुआ जी, पहले अंजलि के थाना से छुड़ावे के पड़ी, ताकि वो जेल जाए से बच जाऊं। अ
अरे बुआ, जब से फूफा जी आयल बनी तब से तो रवा बहुत चमकत है। का बाची तू कुछ भी कहेलू। ए बुआ, बुआ रवा अंजलि की माफ कर दी ही। हम के हैं माफ करे वाला? कनिया, हमार का अधिकार बा उनके माफ करे के? संध्या दीदी, रउआ तो अंजलि के माफ कर दी ही। अंजलि ऐसी लड़की नहीं थी, और अगर रउआ लोग मिलकर अम्मा जी से कहा तो रउआ लोग के बात सुन के वहां भी अंजलि के माफ कर दे हैं। अच्छा, तारा नैहर से मिलल कुछ चोरी हो जाए इतना तब तक के बुझाई। बड़ा नेक काम कैले बड़ी का अंजलि, जन माफी मंगवाओ तड़ू। एक बात सुना, हमनी के लगे तो कह भी देलू है, माई से तो कुछ कहियो भी मत। पर हिम्मत कैसे भई ई बात कहे के? एगो तो ओकरा के एक घर में हमनी के पना देनी है जा, ऊपर से हमनी के घर में वो तेजा लगा देला। जे हमारे गलती रहल है कि ओकरा सामने हीरा के हार हम खोल के रख देनी। हमार तो बहुत चली थी, उनका के ऐसा सजा देती, ऐसा सजा देती कि जिंदगी भर जेल में चक्की पीसी, बुझलो? माफ कर दी। देखिए, मुझे सब पता है, आप मुझे कानून का पाठ मत पढ़ाइए। हाँ, आपको कानून का पाठ पढ़ने की कहाँ जरूरत है, आप तो कानून के रखवाले हैं। इसीलिए बिना एफआईआर दर्ज के आपने एक महिला को थाने के लॉकअप में बंद करके रखा हुआ है, और अगर उसको कहीं कुछ हो गया तो आपके रिकॉर्ड में वो तो थाने के अंदर है नहीं, तो फिर आपकी तो कोई जिम्मेदारी भी नहीं बनेगी। मैंने बात किया है हाकिम तिवारी जी से। बात करने से आपको अधिकार मिल जाता है लॉकअप में रखने के लिए। अकॉर्डिंग टू लॉ, अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं आपके खिलाफ अपने अखबार में खबर छाप दूंगी। फिर आप जवाब दीजिएगा कि कौन सा कानून आपको अधिकार देता है कि किसी के कहने पर बिना एफआईआर दर्ज किए आप एक महिला को थाने के लॉकअप में बंद करके रखते हैं। अमर, ए अमर। जी बाबूजी, क्या हो गए? मैंने आवा देखा, कनिया के काम काज आजकल हमरा तनिको अच्छा नहीं के लागत। उनका दिमाग ना आजकल कुछ ज्यादा ही चले लगल बा। लगता कि तहार पकड़ अब आपन पत्नी पर से कम हो गई बा। तू उनकरा के काबू रखे में नाकाम हो रहल बड़ा। ये तो बताएं कि आखिर बात का हो गई? बात क्या हो गई सर? माई के लगे जा करके कन्या गिड़गिड़ा तो रह लिया, अकौत रह लिया कि उनकरा के माफ कर दी। काहे? जब पता बा कि वो लड़की गलत दिया तो ओकरा खातिर हम दर्दी इतना दिखावे के का जरूरत बा? अबू प्रधान वाली पंचायत के ये जलसे करी ओकरा संगे ओइसा ही करे के पड़ी। प्रधान के काम बा इंसाफ कई। अगर केहू गलत कैले बानू ओकरा खिलाफ जा करके सजा दिला करके इंसाफ कई प्रधान के फर्ज बा। झूठ मुठ के ममता दिखावल अब माफी देवल ये सब ना चलेला। कौन करा के आदत में सुधार लियावन जल्दी से जल्दी। अब हमारा बर्दाश्त के काजल हो रहा है।
हाँ हेलो जी तिवारी प्रणाम 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 देखिए अब 24 घंटे होके जा रहा वह आरोपी के थाने के स्टडी में रखे हुए अब आप आके यहाँ पर FIR दर्ज करवाई नहीं तो हमरा के मजबूरन अंजलि के छोड़े पड़ी अभी न्यूज रिपोर्टर यहाँ पर आई हुई थी और अगर हम अंजलि को छोड़ दिए तो रउआ समझ ली कि रउआ के खिलाफ अखबार में छप जाए और साथ ही साथ हमारा खिलाफ भी तो जल्दी बताई क्या करे की वह दरोगा जी तो कहते बड़े कि और रिपोर्ट लिखवाए खातिर प्रधान के खुदे थाना में आवे पड़ी जा कनिया के कहो कि वो जास थाना में आ जाके रिपोर्ट लिखवाओ देखी हमरा मन नहीं खे मान रहा बा कि हम ही गलत काम अपने हाथ से करी हमरा खातिर जितना परिवार जरूरी बा उतना ही हमरे खातिर परिवार के इज्जत भी जरूरी बा और अगर प्रधानी के फैसला में कोनो ऊंच नीच हो जाई तब पूरे तिवारी परिवार के नाम खराब हुए और हमरा मन अभी तक इहो नेखे मान रहल बा कि हम अंजलि के खिलाफ जाए के चोरी के रिपोर्ट दर्ज कराई और रवा के तो पता बानू कि कभो गलत काम करे के पक्ष में हमार मन ना रहला आप बीबी हम का कहते नहीं कि अगर चाचा जी ये कहते नहीं कि रोवा जाके थाने में रिपोर्ट लिखवा दी तो एमी इतना सोचे वाला बात कौन सका नहीं हमार कहे के मतलब ये बाकी ये घर से बाहर जाए खातिन तो चाचा जी और अमर भैया के परमिशन चाहिए नू तो जब चाचा जी खुद कहते नहीं रोवा से कि जाके थाने में रिपोर्ट लिखवा दी तो एमी इतना उलझन वाली कौन सी बात बा कहीं ऐसा बात तो नहीं कहना दीदी कि रवा के ई लागा था कि अंजलि हीरे के हार नेखे चुराई ले वो पे गलत इल्जाम लगल बा का दीदी हाँ मोहिनी हाँ चुप रहा देखा सही और गलत के फैसला लेवे खातिर ना ऐजा चाचा जी और अमर भैया बाड़न और वैसे भी आरती भाभी जोन कुछ कारण बनी ना तो सही है कारण बनी नाना जगत जी ठीक है बा ना मैंने अगर केहू के लगा था कि यह घर के कोई आदमी जाके हार चोरा के और अंजलि जी के बैग में डाल दिला तो वो कादर होगा चाहे कोई अगर यह घर के कोनो आदमी के जेल भेजा के चाहत बात हो वो बता दो सुनी हमरा रउआ से कुछ बात करे के बा और हमरा के इहो मालूम बा कि चोरी के कैले बा कि चोरी के कैले बा कि चोरी के कैले बा चली हमरे संगे